है वो नेशनल एससी एसटी हब का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एनएसआईसी के थ्रू ही हो रहा है। तो नेशनल एससी एसटी हब के अंदर एनएसआईसी जो है वो एससी एसटी उद्यमियों को किस तरीके से जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है, वो सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया। और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो सरकार का लक्ष्य है 4% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिसमें सरकार जो है वो एससी एसटी उद्यमियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो ये सारा डिस्कशन आज के सत्र में हुआ। दूसरी बात के ऊपर जो है प्रैक्टिकली क्या समस्याएं आती है जब एक उद्यम को स्टार्ट किया जाता है, वो सारे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। और तीसरी बात के अंदर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से प्रयास कर रही है, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एनओसीज जो हैं, क्योंकि एक आप यदि कोई भी उद्यम लगाते हैं तो उसके अंदर लगभग 100 NOCs की जरूरत पड़ती है फ्रॉम 17 डिपार्टमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए जो है उद्यम विदाउट एनओसीज आप लगा सकते हो, 3 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है, तब तक आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से एनओसी लेने का जरूरत नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर आए हुए थे जो ऑलरेडी जो उद्यमी हैं या जो उद्यमी उद्यम लगाना चाहते हैं, जो बडिंग उद्यमी हैं, उन सब ने बड़े ही उत्साह के साथ इसको सुना। उनकी जो भी क्वेरीज थी वो हमने कोशिश करी कि हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। और एनएसआईसी की तरफ से मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी टीम है जो बड़े उत्साह के साथ डिक्की के साथ काम करने को हम लोग प्रेरित हैं, और आगे भी इस तरीके के फंक्शंस में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिक्की के साथ कर सकते हैं। की ओर से बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही यूजफुल, खासतौर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है ये सेशन रहा। और किस तरह से काम करें, क्या इसका मकसद था? दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मकसद ही सिर्फ एक है कि डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स। नौकरी देने वाला कैसे बन सकते हैं, और वो भी जब बात की जाए कि एक एससी एसटी का व्यक्ति जो है वो जो नौकरी ढूंढने के लिए भाग रहा है वो जॉब गिवर कैसे बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो 2 टूल इस्तेमाल किए, एक वो था डॉक्टर अम्बेडकर की इकोनॉमिक थॉट्स, उनको आज के पर्सपेक्टिव में कैसे ले सकते हैं, और दूसरा जो हमने टूल इस्तेमाल किया, व्हाट आर द चैलेंजेस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं। हमने उन्हीं रुकावटों को अपना टूल बनाया और उन्हीं रुकावटों को भी स्ट्रेंथ बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्केट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, प्रोडक्ट बन गया तो वो क्वालिटी और दाम के साथ साथ एक और सोशल पैरामीटर पर भी चुना जाता है जिसकी वजह से शायद वो रिजेक्ट हो जाए। इस चीज़ को कैसे सरल किया जाए, तो हमने सरकार को अपना माध्यम बनाया, हमने सरकार को ही अपना बायर बनाया। 2012 पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 4% का रिजर्वेशन करवाने से एससी एसटी एसएमई को आज वो मार्केट स्टेट और सेंटर मिलाकर तकरीबन 1 लाख करोड़ का हो गया है, यानी हमने इनको मार्केट दिलवा दिया जिसमें वो सोशल पैरामीटर कहीं काउंट नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनको पैसा चाहिए था। पैसे में भी वही बात आती थी कि एक परसेप्शन बना हुआ है, अगर एस सी एस टी वाला है तो शायद बैंक एंटरटेन ना करे, ये परसेप्शन भी है, कहीं पर हकीकत भी था। उसी को लेके हम लोगों ने पॉलिसी बनवाई स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में आज की तारीख में हज़ारों लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं। पहली बार था कि बैंक की हर ब्रांच को एक मैंडेट दिया गया कि आपको एक एस सी एस टी और एक महिला उद्यमी को लोन देना कंपलसरी है, वो भी कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल नहीं होता था उसे हमने स्ट्रेंथ बना दिया, बैंक एंटरटेन नहीं करता था उसे हमने मैंडेटरी बना दिया। तो ऐसी चीज़ें हमने की जिनकी वजह से अभी ये अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आज कह सकते हैं 15 साल की जर्नी ख़त्म करने वाले हैं, हमने तकरीबन 10,000 के ऊपर नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं और ये जर्नी कंटिन्यू है। थैंक यू। हाँ, काफ़ी कामयाब रहा है। हमारी कोशिश थी कि हम 100 लोगों को एटलीस्ट यहाँ बुलाएं, जयपुर से रहने वाले लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस भी वो हो जो अवेयरनेस उनके लिए हो जो कुछ करने के इच्छुक हो। तो हमारा ऐसा टारगेट रहता है कि हम उद्योगी बनाने के लिए जोर देते हैं, ना कि नौकरी देने के लिए। तो जैसे कि रेस्पॉन्स आज आया है, 100 से ऊपर उद्यमी लोग आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, तो उनको मार्गदर्शन के लिए भी जो उचित हमारे चीफ गेस्ट थे ललित के पवार साहब, वो पधारे थे।
नाबार्ड के जो सीजीएम साहब आए थे, एमएसएमई के आए थे, एनएसएससी के आए थे, तो योजनाएं तो सर बहुत है। अब ज़रूरत है कि उद्यमियों को उन योजनाओं को सार्थक बनाने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि जानकारी अवेयरनेस तो हम कर रहे हैं डिक्की के माध्यम से, पर उस अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं जब तक वो एंड यूजर तक न पहुँचे। हमारा मानना यह है कि जब ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में लोग आएंगे, उनको अवेयरनेस होगी स्कीम्स के बारे में, तब वो स्कीम्स को भी लाभान्वित करेंगे, वो अपने एंटरप्राइज भी इस्टेब्लिश करेंगे, वो गवर्नमेंट के अंदर टैक्स पेयर भी बनेंगे। अच्छा बताइए सर, ये डिक्की का एक कार्यक्रम था और इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवेयरनेस, क्या ये मकसद था, कैसा रहा ये? देखिए, डिक्की द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर इतने लोग एक साथ मिलना और साथ में मिलने के साथ में वो अपॉर्चुनिटी जो है, बेसिकली जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें जो 4% के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एचटीएससी के लिए जो हमारी स्कीम है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम की, क्योंकि एचटीएससी एंटरप्रेनर को कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, न्यू यूनिट लगाने के लिए 25% सब्सिडी मिलती है। इसलिए लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये इसके लिए कहीं अलग से जाना पड़ेगा, कोई अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सीधा बैंक को जाके बताना होता है कि मुझे इस स्कीम के तहत फंड चाहिए, अदरवाइज वो पीएमईजीपी और उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो पीएमईजीपी के लिए वेट करते रहो साल भर, आप जाइए बैंक, अपना प्रपोजल दीजिए और अपना यूनिट स्टार्ट कीजिए, इसमें कोई बहुत जल्दी हो सकता है। तीसरा जो मेरा मेन मकसद था आने का, कि क्लस्टर्स हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 क्लस्टर्स पर काम किया जा रहा है, यदि इंटरप्रेनर मिलके 25 से 30, 40, 50 लोग आते हैं तो 90% तक कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए 90% की ग्रांट है, और मार्केटिंग के लिए डोमेस्टिक ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इनमें जाने के लिए हम लोग 100% सब्सिडी देते हैं। आज 4 फेयर जो जयपुर में थे वो हमने रिकॉग्नाइज करवाए हैं अप्रूव्ड एमएसएमई के माध्यम से, यदि कोई इंटरप्रेनर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उनको उनकी जो चार्जेज है वो रिमबर्स हो जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग बिना ट्रेड फेयर में जाए मार्केटिंग संभव नहीं है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के साथ में हमारी स्कीम्स में लीन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे ईडीसी सेल है, इंटरप्रेनर फैसिलिटेशन सेंटर है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जिनके माध्यम से समय समय पर मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट एमएसएमई में आने के बाद तैयार किया जा सकता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, बेसिकली हम लोग हवन इसको स्पोक मॉडल के तहत 20 टूल रूम हमारे चल रहे हैं और उतने ही टूल रूम्स और आने की संभावना है, जिनके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी टूल रूम सर्विसेज और टेक्नोलॉजी नए एंटरप्रेनर स्टार्टअप को प्रोवाइड करेंगे, साथ ही स्किल के टाइम में हाई एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर टूल रूमों के माध्यम से इंटरप्रेनर्स को हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिससे प्लग एंड प्ले के माध्यम से एंटरप्रेनर आसानी से तैयार हो सके। थैंक यू। आज डिक्की की ओर से बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें आज राजधानी जयपुर में डिक्की की ओर से बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें एनएसआईसी, एमएसएमई और स्किल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास तौर से पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। क्या कहा इस मौके पर यहाँ आए हुए मेहमानों ने, आइए जानते हैं। City Live, a platform to sharing your thoughts. City
सिटी लाइव अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।